जवाबदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जितने भी युवा साथी मुझे लाइव देख रहे हैं उन सभी को विक्ट्री निशान मैं दिखा रहा हूं, और जितने भी युवा साथी है वो जुड़ जाए एक बार। जितने भी आज जो ऐतिहासिक जीत मिली है जिसका पूरा पूरा श्रेय मेरे बड़े भाई साहब सुशील जी बिश्नोई और बड़े भाई साहब रघुनंदन जी शर्मा को जाता है, जिन्होंने इतना कुछ कर दिया आज कोर्ट में। पूरा मतलब मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। जितने भी मैं आप युवा साथियों को जो जुड़े हैं जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया था उन पे उनके लिए आज कोर्ट रूप से स्पष्ट तौर से कह दिया गया लेवल प्रथम के लिए लेवल प्रथम में पीएरधारी बैठेंगे, अंतिम रूप से पीएरधारी बैठेंगे, उनको फोरम भरने की परमिशन मिल चुकी है। और जो लोग ये कह रहे थे हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं बिठा सकती, उनको आज उस न्यायालय ने बिठा दिया है और उस ताकत ने दिखा दिया है। और मेरी जो ताकत के रूप में उभरे हैं उनके बीच में आप लोगों को मैं लाऊंगा, आप लोगों को बताएंगे क्या प्रकार का कोर्ट है। अभी हालांकि अंतिम रूप से हमें हमारे पास कॉपी नहीं आई है। एक बार जितने भी युवा साथी है वो जुड़े, ज्यादा से ज्यादा जुड़े युवाओं को, आप लोगों का जो जितने भी युवा साथी उनको जोड़े, आप लोगों का फर्ज बन रहा है कि जितने भी ग्रुप्स हैं इनमें सभी में शेयर कर दो। ये युवाओं के 12 लाख परिवारों का मामला है, 12 लाख परिवार इसमें आज जीते हैं, मेरा अकेला नहीं जीता हूँ, 12 लाख परिवार जीते हैं। ताकि मैं आपको सभी को हमारे जो टीम है वो आपको रूबरू करा सके किस प्रकार का आज जजमेंट आया है और किस प्रकार का आज हुआ है, किन किन को फायदा हुआ है और क्या इसमें हुआ है। तो आप सभी युवा साथियों से अनुरोध है एक बार सभी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जो कांग्रेचुलेशन मुझे कह रहे हैं आप सभी को पुनः बधाई हो। लेवल प्रथम में जो एनसीटी की गाइडलाइन आज कोर्ट में जो विपक्षी वकील है उनको जमकर ताड़ पड़ी है, जो कह रहे थे जो ऐसे मनगढ़ंत रूप से कहानियां ले लेके आ रहे थे उनको लताड़ पड़ी है। और हमारे जो एडवोकेट की टीम थी वो मच गई थी, जिनको सिरे से स्वीकार किया गया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे जोधपुर से जो हमारे एडवोकेट साहब हैं सुशील जी बिश्नोई, वो अब अपना आपके सामने बात रखेंगे कि किस प्रकार का जजमेंट है। फिर मैं रघुनंदन जी के सामने आपको मिलाऊंगा, हमारे बड़े भाई साहब रघुनंदन जी। और तब तक एक बार शेयर कर दे, आपको नहीं लगता क्या ये इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया है कि सभी के बीच में इनके फोटो जाए, इनका मैसेज जाए, तब तक इतने लोग जुड़ जाए। आपको लगता है अगर आप पीएरधारी हैं तो जरूर शेयर कर दे दोस्तों। बहुत धन्यवाद आप सभी जो कांग्रेचुलेशन दिख रहे हैं। एक बार सुशील जी बिश्नोई बड़े भाई साहब जी। सर आप सभी लोगों को अग्रिम बधाई हो। आप रीट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने की आपको परमिशन, वायरस चैलेंज किया गया था नोटिफिकेशन को लेकर के, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो बीएडधारी होल्डर्स हैं और जो पिटिशनर हैं उनको पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी गई है। और जो रीट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने की जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की उसको भी एक्सटेंड करके 19 फरवरी तक कर दिया गया है। आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। शुक्रिया बड़े भाई साहब। सुशील जी बिश्नोई ने आप लोगों को बताया है। एक और बड़े भाई साहब जयपुर से रात को 3 बजे चले थे हम 3 बजे। धन्यवाद और आपको अग्रिम बधाई हो। टीचर ग्रेड थर्ड लेवल फर्स्ट के एलिजिबल मानते हुए अंतरिम रूप से रीट 2021 की परीक्षा में आपको बैठने की परमिशन दे दी गई है, इसलिए आप अपने फॉर्म्स भर के और अच्छी तैयारी करके ये दिखा दें कि आप लेवल 1 के लिए भी परफेक्ट है। धन्यवाद। केस आगे चलेगा, केस चल रहा है और अगली सुनवाई कब की है? 1 मार्च। 1 मार्च को अगली सुनवाई 1 मार्च को है। देखो दोस्तों अभी 19 फरवरी फार्म भरने की अंतिम तिथि है, फार्म नहीं भरा गया था। जितने भी युवा साथी है अब अपनी मजबूती के साथ काम कर लिया जाए। हमारी टीम ये जो प्रयोग भी बधाई के पात्र है, फिर उनके पश्चात लंकापति रावण जो रोया था मेरे आगे आके कि भाई मैं बाहर हो गया, ये हो गया, तो उससे मिली चाहे महावीर काशनिया हो, चाहे मुकेश जी सिंपा हो, चाहे सुनील जी हो, बहुत सारे मेरे दोस्त, चाहे देवेश हो, धौलपुर की टीम हो, भरतपुर की टीम हो, सोनू फौजदार हो, मैं नाम नहीं भूल रही है, लेकिन आगे भी जीतेंगे। लड़ाई लंबी चलेगी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी, लेकिन आज हमने पहली सफलता हासिल कर ली है, आगे भी सफलता हासिल करेंगे, जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए। और इसके संदर्भ में
सारी बातें आप लोगों के बीच में रख दूंगा। एक बार ऑर्डर की फाइनल कॉपी आ जाए। कई लोगों के ये सवाल है कि सभी पिटिशनर अलाउ हुए हैं या 12 लाख बीएड धारक हुए हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि सभी सभी के लिए, हमने पहले भी कहा था हम सभी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे फाइनल रूप से वो कॉपी आ जाए। हो सकता है हमें जो लास्ट में जो एक बात थी उसमें पिटिशनर का जैसे जिक्र किया था, तो हो सकता है मैं भी अगर पिटिशनर है तो भी हम कोशिश करेंगे, आप चिंता ना करें। और भी अगर कोई युवा जितने भी युवा साथी के जो भी एक बार फाइनल आ जाए, तो जो सुन रहे हैं आप सभी लोगों को बधाई हो, पुण्य बधाई हो, हम जीत चुके हैं पहली बाजी, अंतिम बाजी भी जीतेंगे। 90% से अधिक सीटें लेवल प्रथम में लेंगे। पहली बात अलग थी, अब बात अलग है। अब ये चैलेंज की बात थी, इस चैलेंज को हम स्वीकार कर रहे हैं और उन लोगों को एक मुंह पर न्यायपालिका ने करारा जवाब मारा, थप्पड़ मारा है उनको, जिन्होंने ये कहा था हिंदुस्तान की कोई ताकत लेवल प्रथम में बीएड वालों को नहीं बिठा सकती, और उनको करारा जवाब मिला है। और आप आज तक मैं ऐसे रखता था, आज मैं ऐसे रख रहा हूँ थोड़ी सी बीएड धारियों के लिए। धन्यवाद।